उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में अति कहमत के करीबी हिस्ट्री शीटर और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान हिस्ट्री शीटर के पैर में गोली लगी है। इसके बाद पुलिस ने उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस का कहना है कि हिस्ट्री शीटर जदार अहमद 25,000 का इनामी था। उसके कब्जे से राइफल व जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। एसपी राजेश कुमार सिंह के मुताबिक मुठभेड़ में घायल हिस्ट्री शीटर जर्रार अहमद और उनके बड़े भाई व उसके पिता का आतिक अहमद के घर आना जाना था। खकरेरू पुलिस व स्वाट टीम ने जिले के खकरेरू थाना क्षेत्र के कुल्ले गांव के जंगल में हुई मुठभेड़ के दौरान जर्रार अहमद को पकड़ लिया है। उस पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। यूपी में पूर्व राज्यपाल हत्याकांड में 18 साल से फरार चल रहे आरोपी और अतीक अहमद के शार्प शूटर अब्दुल कवि पर पुलिस ने 1,00,000 रुपए का इनाम कर दिया है। कौशंबी के एसपी ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव के नेतृत्व में कटैया गांव में डॉक्टर स्कॉट टीम के साथ सर्च अभियान चलाया गया। 315 बोर की राइफल बरामद हुई है, ढेर सारे कारतूस बरामद हुए हैं, घायल हुआ है, इसे हॉस्पिटल भेजा गया है।